गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी, मेरे इतने प्यारे फैमिली है वो हमेशा खुश रहे। और ये ब्लॉग मैंने अपना सुबह से संडे को स्टार्ट किया है और मंडे को सुबह अपलोड होगा, तो मैं वॉइस ओवर सुबह ही कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, तो आप सबको हैप्पी संडे। तो आज संडे है तो आपको पता है सारा काम धीरे धीरे होता है, तो वैसे टेंशन नहीं रहता है कि सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो आराम से उठ के सारा काम करो, ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं बनाना पड़ता है। तो आज वैसे मैंने कुछ बनाया नहीं था, कल का चिकन बचा हुआ था और सिंपली मैंने रोटी बनाया और चिकन से हम लोगों ने रोटी खाया, तो सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, सारा काम हो गया है और नहा धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ। और आज ना मैंने नया वाला सूट पहना है, आपको मैंने दिखाया था भाभी के घर से मुझे जो वाला सूट दिया था ये मैंने कटवाने दिया था, तो सूट तो बना दिया है लेकिन ये सूट ना मतलब सही नहीं बनाया। ये देख सकते हैं आप, बाजू काफ़ी ढीला है, तो मैं पहन के देख रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग भी अपना स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैं ये फिर से मैं उन्हें दूंगी ये वाला सूट ठीक करने के लिए। और आज मेरी मम्मी आएगी, क्योंकि मेरी मम्मी ना हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ डॉक्टर दिखाने आती है, मम्मी को डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर हाई है, तो मम्मी चेकअप कराती रहती है अपना, तो आज आएगी तो मैं मम्मी से भी मिलाऊंगी। और सो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी आ गई है तो अभी मैं अपनी मम्मी से मिलाऊंगी। और उससे पहले देखिए रियान ने भी नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया, आज नानी आई है तो रियान बहुत ही खुश है। और रियान सबको हाय बोल दो, हाय, और नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते। और अभी मैं मम्मी से मिलाती हूँ, तो देखिए ये मेरी मम्मी, तो ये मेरी प्यारी सी मम्मी आज हमारे रूम पर आई है और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से मिलवा देती हूँ। एक बार मिलवाया था तो मम्मी ने उसमें कुछ बोला नहीं था, तो आज मैं मम्मी से कुछ बुलवाती हूँ आप लोगों के सामने। तो मम्मी कैमरा के सामने आके थोड़ा सा नर्वस हो गई है, तो मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ नमस्कार जी, जोर से बोलो, नहीं नमस्कार तो सुनाई नहीं देगा किसी को। तो मम्मी आप सबको नमस्ते बोल रही है, और मेरी मम्मी बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़्यादा। पता है गाइस, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मम्मी हमेशा फ़ोन करके पूछती है मेरे से कि तेरी जो वीडियो है वो कैसी चल रही है, और आप लोग जो कमेंट करते हो मम्मी पूछती है कौन कैसे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ मम्मी को, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो मम्मी आज भी आई थी तो मम्मी को मैं पढ़ा के सुना रही थी, तो मम्मी सुन रही थी और बहुत ही बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि हाँ बहुत देख कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कि कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये सब आप लोगों की वजह से है, और फ्रेंड्स ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमेशा मुझे करते रहना, क्योंकि आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे ना तो तभी मैं आगे थोड़ा सा जा पाऊँगी, तो ये सब आप लोगों के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही साथ रहना और ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहना। और आज आप लोगों ने इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया है ना, तो मेरी मम्मी आई है, फिर मैं पढ़ के सुना रही थी अपनी मम्मी को, और मम्मी सुन के बहुत खुश हो रही थी आपकी, आप लोगों की कमेंट पढ़ कर सुन, तो मतलब इतनी खुश हो रही थी कि मम्मी के जो चेहरे पे इतनी खुशी थी ना, वो खुशी मैं आपको बोल के भी बता नहीं सकती। तो ये सब आप लोगों के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आज मेरी मम्मी इतनी खुश है, मैं इतना खुश हूँ, आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो आप लोगों के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमेशा करते रहना। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े डालने, तो ये सारे कपड़े मैंने सुबह ही धो लिया था, और मैंने इसको धोने के बाद रख दिया था कि जिससे कि इसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, तो पानी तो निकल गया। अब मैं इसको रेलिंग में डाल देती हूँ जिससे कि ये सूख भी जाएगा। और मेरी मम्मी आई थी तो वो डॉक्टर के पास चली गई है डॉक्टर दिखाने के बाद आ जाएगी, फिर खाना वाना खा के फिर घर चली जाएगी। तो आपने मम्मी से भी मिल लिया है और मैंने मम्मी को भी मिला दिया है आप लोगों से, तो मेरी मम्मी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और मेरी मम्मी बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट, मैं बता नहीं सकती।
कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ रसगुल्ला बनाने। तो यहाँ पे 1 kg हमारा दूध है, दूध को हम बॉईल होने तक पकने देंगे और मीडियम फ्लेम में हम दूध को पकने देंगे। अब दूध को फाड़ने के लिए हमने यहाँ पे विनेगर लिया है, तो विनेगर 2 चम्मच लेंगे। आपके पास अगर विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू भी ले सकते हैं, और नींबू का रस लेके, जैसे आप 2 चम्मच नींबू का रस ले रहे हैं वहाँ पे 2 चम्मच आपको पानी लेके उसमें मिक्स कर लेना है। और दूध में आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और दूध को ना 10 मिनट के लिए हम ठंडा कर लेंगे। एकदम गरम गरम दूध में आपको ये विनेगर का पानी नहीं डालना है, बहुत गर्म है दूध, तो थोड़ा सा आपको ऐसे हिलाकर दूध को ठंडा कर लेना है। तो ये एक पीवर का बहुत दिन से कहना था कि दीदी आप हमारे साथ रसगुल्ला शेयर कीजिए, बहुत दिन से बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उनके लिए रसगुल्ला बनाकर शेयर कर देती हूँ और वो बना के ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि उनका रसगुल्ला कैसे बना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा विनेगर हमें लेके ऐसे डालते जाना है और धीरे धीरे ऐसे हिलाते जाना है, एकदम ज़ोर ज़ोर से मत हिलाएगा। और जितना आपने विनेगर लिया है उतना आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। देखेंगे धीरे धीरे जो आपका दूध है वो छेना बन जाएगा और जो बाकी जो दूध में पानी है ना वो पानी अलग हो जाएगा और आपका जो छेना है वो छेना निकल जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना सारा दूध में से छेना निकल गया है। अब इस छेना को हमें छान के निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कटोरी के अंदर एक बड़ा सा छन्नी लिया है। अब छन्नी के ऊपर हमें पतला से एक कपड़ा ले लेना है, कोई भी एक सूती का कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर ये जो छना है उसके ऊपर डाल दीजिए, तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा कटोरी में, छेना जो है इस कपड़े में रह जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ना कपड़े को ऐसे हिलाते जाना है जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। अब छेना के अंदर हमने डाला था विनेगर, तो इसलिए हमारा जो छेना है वो खट्टा है, तो खट्टा रहेगा तो हमारा जो रसगुल्ला है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम ठंडा पानी से छेना को धो लेंगे अच्छे से, जिससे कि इसके अंदर जो खट्टापन है वो अच्छे से निकल जाए। और इसको धोते धोते एकदम हमें अच्छे से धो लेना है, फिर इसके अंदर जो पानी है उसको भी अच्छे से हमें निकाल लेना है। देखिए छेना के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने छेना को अच्छे से धो लिया है। अब इसके अंदर जितना भी पानी है ऐसे थोड़ा सा रुमाल को हिला के हमें पानी को निकाल लेना है। अब ऐसे देखिए रुमाल को ऐसे पकड़ के जो एक्स्ट्रा पानी है छेना के अंदर ऐसे हल्के हाथ से दबा कर आपको निकाल लेना है। बहुत तेज़ी से मत दबाएगा नहीं तो आपके जो रसगुल्ला है वो बाद में टाइट बनेगा। तो ऐसे हल्के हाथ से दबाकर इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल लेना है। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो टपक टपक के निकल जाए। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं चाशनी, तो चाशनी के लिए फ्राई पैन में डाल दिया है 1 कटोरी हमने चीनी। अब चीनी हमने 1 कटोरी डाला है तो इसमें हम डालेंगे 3 कटोरी पानी। तो पानी इसमें हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि हम यहाँ पे रसगुल्ला बना रहे हैं, तो रसगुल्ला के लिए हमें पानी ज़्यादा डालना है क्योंकि हम जब रसगुल्ला को पकाएंगे तो रसगुल्ला हमारे चाशनी के अंदर अच्छे से डूबना चाहिए। अब लो फ्लेम में हम लोग चाशनी को पकाएंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में एक बार हम ऐसे हिला लेंगे। तो हमारा जब तक चाशनी उधर पक रहा है यहाँ पे हमारा जो छेना है वो छेना में से देखिए अच्छे से पानी निकल गया है। अब छेना को हमें ऐसे हाथों की सहायता से ऐसे मल के सॉफ्ट और चिकना बना लेना है। तो देखिए मैं कैसे छेना को मल रही हूँ, ऐसे ही आपको मलते जाना है और आपके छेना देखते देखते देखना सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा। तो देखिए हमने छेना को अच्छे से मल लिया है जिससे हमारा छेना काफ़ी सॉफ्ट और चिकना बन गया है। अब हम लोई बनाएंगे, तो इसमें से आप जिस हिसाब से रसगुल्ला बनाएंगे उस हिसाब से लोई बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 रसगुल्ला बनाऊंगी, तो 6 रसगुल्ला के लिए 6 लोई बनाई हूँ। आप इसे छोटा भी बना सकते हैं, आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। आप 1 लोई को ले कर इसे गोल गोल बना लेंगे, तो गोल आपको एकदम अच्छे से बनाना है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपके रसगुल्ला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप अच्छे से स्मूथ से आप रसगुल्ला को गोल कीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो सारे रसगुल्ला हमने बना लिया है। अब देखिए हमारा चीनी जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और जो हमारा चाशनी है वो अच्छे से उबल रहा था। अब एक एक करके हम इसमें रसगुल्ला डालते जाएंगे
लेंगे और फिर इसको हम ढक के 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 20 मिनट के लिए हमें ढक्कन को नहीं खोलना है। तब तक हम यहाँ पे देखिए बेडशीट चेंज कर ले रहे हैं, तो हमारा बेडशीट बहुत ही गंदा हो गया था, तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर ले रही हूँ। तब तक हमारा वहाँ पे रसगुल्ला भी पक जाएगा। तो वहाँ पे रियान देखिए गेम देख रहा है, तो रियान इतना गेम देखता है ना, उसे मतलब उसे ऐसे बोल देती हूँ ना कि बेटू आप पढ़ने बैठ जाओ, नहीं बैठता है। लेकिन अगर उसके सामने अगर फ़ोन ऐसे मिल गया ना, तो वो खुद से ही चला के गेम देखना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा बेडशीट भी बिछ गया है और 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे हमारा रसगुल्ला। तो रसगुल्ला भी आप देखिए फूल के डबल हो गया है एकदम, और कितना बढ़िया हमारा रसगुल्ला हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे हिला के पलट देंगे इधर उधर कि दूसरी साइड भी अच्छे से हमारे चाशनी के अंदर पक जाए रसगुल्ला। और हाँ, अगर आप देखें कि आपका चाशनी बहुत ही कम हो गया है, जो आपके रसगुल्ला है वो चाशनी के अंदर नहीं डूब रहा है और आपकी चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके फिर डाल सकते हैं। तो आपने देखा था जब हमारा रसगुल्ला फूल गया था, फिर मैंने ढक्कन को उठा के थोड़ा सा अलट पलट दिया था कि दूसरे साइड भी पक जाए। फिर से मैंने 10 मिनट के लिए ढक दिया था कि दूसरे साइड भी पक जाए। तो हमारा रसगुल्ला देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बना है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारा रसगुल्ला ठंडा हो रहा है और हस्बैंड जी ने यहाँ पे बिरयानी मंगाया है, तो बिरयानी खाएंगे अभी, क्योंकि बहुत दिन से ना हम लोगों ने बिरयानी नहीं खाया है और बहुत मन कर रहा था, और बनाने जाऊँगी तो उसमें ना बहुत झंझट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बाहर से ही मंगा के खा लेते हैं, तो कभी कभार ये मौका मिलता है। तो आज संडे है तो फुल एंजॉय करेंगे और बिरयानी खाएंगे अभी, और आप भी हमारे साथ आ जाइए बिरयानी खाने। तो यहाँ पे देखिए हम बिरयानी खा रहे हैं और रियान अपने पापा को बार बार बुला रहे हैं कि पापा आ जाओ खा लो, पापा आ जाओ। तो हस्बैंड जी को बिरयानी नहीं खाना है, हस्बैंड जी ने पिज़्ज़ा मंगाया है तो उन्हें पिज़्ज़ा खाना है। तो बाद में बोल रहे हैं मुझे कि मैंने तो अपने लिए पिज़्ज़ा मंगाया है, तो मैंने कहा ठीक है, तो आप भी पिज़्ज़ा खाना, मैं भी पिज़्ज़ा इंजॉय करूँगी। तो देखिए पिज़्ज़ा मंगाया, और रियान भी बहुत बोल रहा था कि पापा पिज़्ज़ा मंगाओ पिज़्ज़ा मंगाओ, तो दो दिन से वो बोल रहा था। तो आज हस्बैंड जी ने अचानक अपने से ही पिज़्ज़ा मंगा लिया है, मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने पिज़्ज़ा कब मंगाया है। और रियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, वो तो पिज़्ज़ा देख के इतना खुश था, वो कब से बोल रहा था कि मम्मा इसको खोलो जल्दी खोलो, मुझे खाना है मुझे खाना है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने देखिए कोल्ड ड्रिंक के लिए कप दिया है, तो हमने सोचा कि रियान कप में खाएगा कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसमें नहीं पिएगा, वो तो बोतल से ही पिएगा, और उसे कोल्ड ड्रिंक इतना पसंद है। हम लोग मना करते हैं कि बेटो आप कोल्ड ड्रिंक इतना मत पिया करो, लेकिन पीता है वो, उसे बोलती हूँ वो सुनता नहीं है। तो देखिए वो देखिए कैसे पी रहा है, और अभी वो पिज़्ज़ा भी खाएगा, और उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। तो चलो हम लोग पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए संडे हमारे साथ इंजॉय करने, पिज़्ज़ा के साथ, बिरयानी के साथ, रसगुल्ला के साथ। तो आज तो बहुत ही मज़ा आ गया, संडे का दिन बहुत ही अच्छा गया हमारा। सो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग में खाती हुई एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। तो आज की ब्लॉग अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी नई वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।